पौड़ी में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिला। यहां बाजार में सभी प्रतिष्ठान खुले रहे, जबकि भारत बंद पर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति का समर्थन करने वाला अखिल भारतीय परिसंघ भी पौड़ी में बाजार बंद नहीं करवा पाया। हालांकि इस दौरान अखिल भारतीय महासंघ ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर धरना दिया, लेकिन इस धरने में कम ही लोग पहुंचे। दरअसल धरने का मुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट के एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण के फैसले के खिलाफ था। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। बिल्कुल, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं और संविधानिक चीजों से हम लोग चलते हैं। हमने अपने स्तर से ये आह्वान किया था भारत बंद करने का, पर हम ये देखते हैं कि अधिकतर पौड़ी में जो समाज के सर्वण समाज के लोगों की दुकानें हैं, तो वो हो सकता है कि इस समर्थन में ना हो। वो चाहते हो कि ये लागू हो, ये फैसला लागू हो और समर्थन ना करके। वैसे भी हमेशा से ये चीज रही है कि एससी एसटी समाज को हमेशा हर समाज ने नकारा है और उसके लिए हमेशा उनको पीछे किया है। तो कई जगह तो संगठन बॉर्डरों को सीज कर दिया है। मैं जैसे लगातार फेसबुक के माध्यम से देख रहा हूँ, यूट्यूब के माध्यम से देख रहा हूँ और जो हमारे सोशल मीडिया में लगातार चल रहा है, कई जगह बॉर्डर सीज हो गए हैं, कई जगह पूरी तरीके से भारत बंद हो गया है। तो इस तरीके से लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। पौड़ी में हम लोगों का पहले से आह्वान था कि शांतिप्रिय ढंग से हम इस आंदोलन को करेंगे। कोई आक्रोश अभी हम लोगों का नहीं है। अगर ये जल्द से जल्द आक्रोश जो हमने आज दिखाया है, शांतिप्रिय ढंग से ये आक्रोश दिखाया है, अगर ये नहीं होता है और इस क्रिमिनलियर को इसको इस फैसले को वापस नहीं लेती है, तो फिर पूरा समाज, दलित समाज हमेशा संघर्ष करने वाला समाज रहा है और उसको दोबारा से हम लोग ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे कि हमें पूरे समाज, पूरे भारत को ढंग से प्रॉपर तरीके से बंद करना पड़ेगा, चाहे हम उसके लिए तन मन धन और हर चीज से संघर्ष करके हम इसको पूरी तरीके से धरातल पे लेके आएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो 7 जजेस की पीठ ने एक झटका देने वाला फैसला लिया है, उसको लेकर समस्त एससी एसटी समाज के अंदर काफी आक्रोश है, जिसके तहत आज 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका असर संपूर्ण भारत में देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार आरक्षण की व्यवस्था थी, उसका आधार था शैक्षिक और सामाजिक अन्याय, उसी के आधार पर आरक्षण की नींव रखी गई थी। लेकिन जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए और इस बात का सारा ठेकरा आर्थिकी के ऊपर डाल दिया है, ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है और इसका हम लोग घोर असमर्थन हम इसका करते हैं। और इसी के ही विरोध में आज 21 अगस्त को हम लोगों ने भारत बंद का समर्थन हम लोगों के द्वारा किया जाए।